उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए चाहे कितने ही प्रयास क्यों न कर लें, बच्चों के भविष्य को लेकर कितनी ही गंभीर क्यों न हो, परंतु विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था में असफल ही नजर आती है। जहां योगी सरकार में शिक्षा विभाग की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए शिक्षक अपनी मनमानी करते हुए नजर आए और शिक्षा के नाम पर सरकार हर साल करोड़ों का बजट पेश करती है, लेकिन कुछ अध्यापक अपनी निडरता और तानाशाही के बल पर स्कूल में अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते, जिनकी वजह से शिक्षा का स्तर सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसी हालात में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन अध्यापकों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। देखिए आप थोड़ा देखिए सर, 10:47 कितना हो गया सर? समय 11 बजने वाले हैं, पौने 11। सर ये बताइए आपका जो सरकारी टाइम है वो क्या है? तो इस समय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बंगरा क्षेत्र गोहान जिला हमीरपुर में देखा जा रहा है कि यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं है, 11 बज चुके हैं। क्या यहाँ पर ऐसा ही होता रहता है, प्रिंसिपल नहीं आते? यहाँ ऐसा ही होता रहता है, एक महीने में ज़्यादा ज़्यादा 2-4 दिन आती और इसी टाइम आते हैं 11 बजे। अरे इसी टाइम नहीं, तो कभी जब कहो 4 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, कहो आए ना। मास्टर साहब तो आते ही नहीं, मास्टर साहब तो रोज मतलब डेली आते हैं, वो नहीं आते। मानसिंह मार्शाब आते हैं रोज, मार्शाब आते हैं। अच्छा, दीक्षित जी नहीं आते? दीक्षित जी एक महीने में 3 दफे आते हैं। आपका सब नाम क्या है? जैसी कहाँ के निवासी हैं आप? बंगला जी। आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं? नहीं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं यहाँ। तो यहाँ तो 4-6 बच्चों आते हैं, कभी कभार आते हैं यहाँ। अच्छा। यहाँ कोई बच्चा नहीं आता। जो प्रधान आचार्य हैं उनसे आपने कहा नहीं? उनसे पूरे गाँव ने कहा, ये तो जब से चल रहा है ऐसे चल रहा है। क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं बच्चे नहीं आते हैं, कोई जांच पड़ताल नहीं होता है। ठीक है।